दुनिया को पाखंड में झोंक रहे हो यार। संत हो गए, संत को मांगने की जरूरत ही नहीं। फ्रॉड है, फ्रॉड है बिल्कुल। संत तो असली होते हैं, वो मांगते नहीं, लेकिन सब लोग इसको वापस करें। नहीं, ये चीज इस रिव्यू दे रहे कि आगे वालों की बेकार है। बिल्कुल भाई, एक नंबर के कटोरे। और ये वाली ज्यादा अच्छी है। चलो मसाला रहेगा, का तरीका है। यहाँ का बहुत मशहूर है। Hey guys, welcome back to the channel। आज कहानी की शुरुआत हो रही है हरिद्वार के रोड से, और अभी हम निकल रहे हैं कुछ अच्छा अच्छा गाने और आपको दिखाते हैं हरिद्वार का खाना। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कस्ता कचौड़ी, जो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। उसको लेते हैं छोले के साथ, टेस्ट करते हैं कैसा है। फोन वाले के यहाँ और ट्राई करते हैं यहाँ की कचौड़ी, और आपको बता दें टेस्ट कैसा है। जैसे कि आपने सुना, हाँ कचौड़ी ठंडी थी और ये बहुत ज़्यादा ही कड़क हो चुकी थी। आपने जैसे देख रहे हो, लोग खा तो रहे हैं लेकिन सब लोग इसको वापस करें। नहीं, ये चीज़ इसके जगह ये लोग आलू पूड़ी ज़्यादा ट्राई करें, तो वो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि ये दुकान मुझे ऊँची दुकान फीके पकवान वाली लगी। तो ये गाइस आ गई हमारी बेनाम जगह की बेनाम कचौड़ी, और ये भाई भी हमारे साथ है। भाई रिव्यू दे रहे हैं निर्वाणा से। ये निर्वाणा से भाई, भाई रिव्यू दे रहे कि आगे वालों की बेकार है। बिल्कुल भाई, एक नंबर के कटोरे। और ये वाली ज़्यादा अच्छी है। चलो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। हरी चटनी उठा भाई, यहीं लगाते रोज 8 बजे तक। हाँ, 10 बजे लास्ट है। अच्छा, ये 10 बजे तक यहाँ पर है। 8 बजे तक। 8 बजे तक है। कितने बजे से कितने बजे तक? 6 बजे। 6 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे गली में, 10 बजे तक लास्ट। अच्छा, किस नाम से लगाते हो? पवन। पवन, तो गाइस जी पवन जी है जो ये लगाते हैं, और टेस्ट औसम है यार। हल्दी मिर्ची मेन इसका हिंट खेल है। अच्छा, मैं लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा यार। लहसुन भी नहीं है और वो हिंग खाइएगा तो कैसे बनेगा। मस्त है यार, लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ इसमें, और प्याज वगैरह नहीं है। जीरा भी नहीं है? जीरा भी नहीं डला है, सिर्फ हिंग रहेगा। अच्छा, मसाला रहेगा। बनाने का तरीका है? तरीका तो जादू है भाई। और ये सब्जी का तरी देखो यार, और ये पत्तल में सर्व करते हैं, और चौकी मज़ेदार है। तो गाइस अभी मैंने मोहन वाली की ट्राई करी, तो इतनी बकवास थी, इतनी वो बकवास थी, इतनी अच्छी है ये, मस्त है यार। अगर आ रहे हो ना तो पवन की कचौड़ी के लिए आने के लिए ये गेट है मेन, मोहन वाली की लाइन से यहाँ आ जाओ सीधे, तो पीछे ये मिल जाएगा प्राचीन। और ये भैया का शक्ल याद कर लो, टेस्ट भी उसी की तरह है, मज़ा आ जाए। और भाई जो पत्तल के साथ स्वाद आ रहा है ना यार, लास्ट में आलू की सब्जी का, मज़ेदार है बिल्कुल। अगर मेरी मानो तो यहाँ ज़रूर आके ट्राई करना हरिद्वार में, आपको मज़ा आ जाएगा। तो गाइस इनकी भी कहानी अलग थी। यहाँ हम दोनों खा रहे होते हैं अपना खाना, और ये दो बाबा आ जाते हैं जिनमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी नशे की, दोनों नशे में थे और बोल रहे थे हमें खाना दो खाना दो और नहीं देने पे तो ये हमें बदुआ देने लगे। तो उसी बात पे इन भाई ने पूछा कि आप बताओ वेद क्या है और थोड़े मंत्र वंत्र बता, क्योंकि इस भाई को बहुत ज़्यादा ज्ञान था। लेकिन ये लोग फिर देखो क्या होता है आगे। क्या है, दुनिया को पाखंड में झोंक रहे हो यार। ये नहीं खिलवाएगा, ये संत को पाखंड में झोंक रहे हो। ये विचार तो बात नहीं, आप तो नहीं जाते कि मैं तो पूछा। संत हो गए, संत को मांगने की जरूरत ही नहीं। कौन कहता है संत को मांगना पड़ेगा? कहाँ लिखा है संत प्रति में, कहाँ की संत? किसके भोजन किसके नाम से कर रहे तुम? कौन है? हम अपने नाम से कर रहे हैं, अपने नाम कर रहे हैं। किसके नाम से भोजन? अपना कमाया हुआ कर रहे हैं, अपने कमा के कर रहे हैं। और ज़्यादा पूछने में देखो वो दो चले गए, और बस ये बहस करता रह गया कि ऐसा है वैसा है। तो भाई अब जाओ इधर, तो ऐसे लोगों का अवॉइड ही करो। देखो अभी ये फ्रॉड है, फ्रॉड है बिल्कुल। संत तो असली होते हैं, मांगते नहीं। भैया ये क्या है? ये यूनिक कॉइन होते हैं। ये कौन सा कॉइन है यार? क्या कह रहे हैं? जो पहले चलते थे दादा परदादा के जमाने। भाई ये कुछ अलग चीज़ देखिए, एंशिएंट कॉइन बोल सकते हैं। तब हरिद्वार की गलियों से निकलते हुए जा रहे हैं हम कुछ अलग खाने के लिए, लेकिन वो अलग खाने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा ये नहीं पता था भाई।
तो गाइस अभी आ गए मथुरा वाले की प्राचीन दुकान पे और यहाँ हमने लिया है उनका बालूशाही और ये है मैसूर पाक का टाइप का और ये कुछ मैदा का बनता है और यहाँ का बहुत मशहूर है। ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पहले ट्राई करते हैं हम बालूशाही। बहुत टॉप है ये, परफेक्ट जो बालूशाही होती है ना वो है। बाद हम ट्राई करते हैं यहाँ का मैसूर पाक, ये कुछ ऐसा दिखता है। कुछ यूनिक है ये, कहीं ना कहीं जो घेवर होता है ना, घेवर का जो बेस होता है उसकी याद दिला रहा है मुझे। और मैंने यहाँ पर हरिद्वार में आपको जो भी कुछ खाओगे ना पत्तल में मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है यार। एक तो उसका स्वाद भी बढ़ता है और खाने का अलग ही अंदाज है। तो गाइस यहाँ बन रही है स्पेशल लस्सी जो कि है मशहूर अमृतसरी पंजाबी लस्सी। बनने का अंदाज ही कुछ अलग है। इक्विपमेंट देखो लस्सी बनने का। मिक्सर है ये, मिक्सर है ये, बड़ी यूनिक है। तो भाई ये आ गई स्पेशल लस्सी। तो भाई चल चल के इतना थक गए थे, लास्ट में दुकान मिली मशहूर अमृतसरी लस्सी की और यहाँ की लस्सी बनने का तो अलग ही अंदाज है ना। अभी तक ऐसा अंदाज नहीं देखा है, टेस्ट करते हैं कैसी है। भाई साहब मज़ेदार है यार, ऊपर से मलाई डाली है ना एक नंबर, सारी थका मिल रही है यार। एक टिप मारी है देखो, सारी थकान इसको फ्री होगी बस। अगर वीडियो को यहाँ पे देखा तो प्लीज़ लाइक कर देना अपने भाई के लिए। भाई